हेलो फ्रेंड्स, आईएएस फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं आपको लेक्चर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ। यदि आपको किसी को भी PDF चाहिए होगी जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हुए फिजिक्स के और मैथ्स के, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी मैं लिंक दे दूंगा। तो आप वो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं आपको PDF उसकी आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सर PDF मिल जाएगी कि, तो मैं उन सभी लोग को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए, सबसे पहले बात आती है डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है वो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं उसके, कि वो एग्जिस्ट कैसे करता है। तो देखिए, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ़ द लिमिट लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की जो होगी वह एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस fx का फंक्शन fx का और a प्लस, ये दोनों वैल्यू इक्वल भी होगी और ये एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, तो इनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि हम इसको h टेंड टू जीरो माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ से पुट कर सकते हैं। यदि h को हम जीरो माइनस ले लेंगे तो फंक्शन जो होगा f a माइनस h कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ h प्लस ले लेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन है a प्लस h करेंगे। कहने का मतलब यदि हम h की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वापस से हमारा जो फंक्शन है वो एफ ए आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ जो x की लिमिट है वो a रखनी है। यहाँ पे x की लिमिट, यहाँ पे भी x की लिमिट a रखनी है, और यहाँ पे h की लिमिट हमें जीरो रखनी है, तो वापस से फंक्शन एफ ए आ जाएगा। और जो लिमिट रहेगी, जो x की वैल्यू रहेगी ये वाली, उसकी जो वैल्यू है वो उसकी रेंज यहाँ पे दी हुई है, a माइनस डेल से लेके a तक होनी चाहिए, और फिर जो a है अगले टर्म में वो a से लेके a प्लस डेल होगी। तो सिंपल है ये चीज़ें, और आपको यदि समझ में नहीं आ रही तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, उन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। तो फार्मूला आपको पता ही है, यदि लिमिट x टेंस टू a है, x एन माइनस ए एन अपॉन x माइनस a है, तो उसका जो फार्मूला का जो आंसर आता है डायरेक्टली, तो उसका फार्मूला का सूत्र ये है एन ए एन माइनस वन होगा इस कंडीशन में। देखिए, यदि लिमिट ऐसी दी हुई है तो उसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। देखिए, x की पावर m माइनस ए की पावर m अपॉन एक्स एन माइनस ए एन। तो देखिए, इसको हमने क्या किए, जो m है और n है उसको डिवाइड में कर लिए, ठीक, और फिर a की पावर m माइनस n कर दिए हमने। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, जो e की पावर x माइनस वन अपॉन x, यदि लिमिट x टेंस टू जीरो है तो उसको डायरेक्टली वन लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार e की पावर mx माइनस वन अपॉन x है तो डायरेक्टली हम उसको m लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, a की पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है और उसकी लिमिट x टेंस टू जीरो है, तो उसे डायरेक्ट log a लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। और देखिए, ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स है, तो इसे हम डायरेक्टली log a अपॉन बी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ का ये वाला log और ये वाला, सॉरी, ये वाला a और ये वाला b, तो log a अपॉन बी इस टाइप से कर सकते हैं। तो फार्मूला है, आपको ट्रिक बना के याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, e की पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो डायरेक्ट हमने m लिख दिया उसको, और जैसे ही a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स आया तो उसको हमने log a ले लिए। अब देखिए, ये सबसे कॉमन जो फार्मूला होते हैं याद रखने वाले, साइन x अपॉन एक्स, टेन x अपॉन एक्स, और साइन इनवर्स x अपॉन एक्स, और टेन इनवर्स x अपॉन एक्स, ये सारे क्या होते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन होते हैं। और आप एक देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस एम एक्स है, बस 1 माइनस कॉस एन एक्स है, तो इस कंडीशन में एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा। देखिए, सिमिलर फार्मूला इसी टाइप का कुछ ऐसे ही है, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ई वाला है। तो लिमिट जो एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स होता है, देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ वन अपॉन एक्स है, ध्यान रखने वाली बात है, तो इसकी वैल्यू ई होगी। देखिए यहाँ पे, अब हमने क्या, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वन अपॉन एक्स है,
ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर भी ए हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे ए एक्स और ऊपर में बी से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पे हमने ए मल्टीप्लाई तो वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि हम बी में ऊपर मल्टीप्लाई करते पावर में तो वो भी ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ई की पावर ए बी आ जाएगा। सपोज़ ये जो बी होता हम नीचे मल्टीप्लाई करते तो देन ये जो आंसर आता ए अपॉन बी होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, तो जो इसका फाइनल आंसर आता है एक्सपोनेंशियल ए अपॉन बी होगा। ठीक है, वो लिखने में मिस्टेक्स हो गई मैं से। और देखिए अब देखिए यहाँ से हमने इसको अपोजिट कर दिए, अब जो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थी हमने एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कर दी, और एक्स की जगह वन अपॉन एक्स कर दिए और वन अपॉन एक्स की जगह एक्स लिख दिए, तो भी ये एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कई तरीके से इस चीज़ों को लिख सकते हैं, तो ये चारों चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये वाला देख लेते हैं, और एक्स टेंस टू ए है, फंक्शन एफ एक्स है और उसमें उसकी पावर में दूसरा फंक्शन है, देन हम उसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल में लिमिट एक्स टेंस टू ए लिखेंगे और जो पावर में जो फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन जो फंक्शन है उसको हम एफ एक्स माइनस वन लिखेंगे, मतलब फंक्शन को एक से घटा देंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, हमें इंटरटेनमेंट टर्म्स आती है तो हमें वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो किस टर्म्स में लगाया जाता है वो देख लेते हैं। देखिए जीरो बाई जीरो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट जब भी आए तो हम वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, देखिए यदि कोई ये फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और ऊपर भी एक्स की वैल्यू ए जो दिया हुई है लिमिट यहाँ पे पुट करने पे यदि दोनों वैल्यू जीरो जीरो आ जाती तो देन क्या करते हैं, हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन फिर ये वाली फिर वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, फिर ये अगर अगर जीरो आता है फिर से जीरो बाई जीरो है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की कंडीशन आती है, देन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि कोई जो नॉन टर्म ना आ जाए हमारी, या इन दोनों टर्म को छोड़ के जो भी टर्म आएगी देन हम उसको वहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगाना बंद कर देंगे। तो जब तक इस कंडीशन ये दोनों कंडीशन आते रहेगी तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। दूसरी चीज़ें इंडिटरमिनेट टर्म होती कौन कौन सी, जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई जीरो, वन इज टू पावर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखिए अब देखिए यहाँ पे ये लिमिट एक्सटेंस टू ए इनफाइनाइट है, एक्सटेंस टू इनफाइनाइट है और फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। ठीक है, और जो एफ एक्स और जी एक्स है दोनों के दोनों कैसे एलजेब्रिक फंक्शन है, देन क्या होगा, तीन केस दिए हुए हैं इसमें, मैं वन बाई वन डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट केस में क्या होता है, देखिए यदि फंक्शन जो एफ एक्स है इसकी डिग्री ज़्यादा होगी, इसकी पावर ज़्यादा होगी, देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा जो रिजल्ट होगा वो इनफाइनाइट आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू है और ऊपर चीज़ें यदि इनफाइनाइट जो पावर है ऊपर वाली ज़्यादा रहेगी, जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे एक्स की जगह तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, यदि आप एक्स की और क्यू कॉमन भी लेके काट के करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चीज़ें आएगी, क्योंकि एक्स की पावर क्यू यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से एक्स की पावर मैक्सिमम जो पावर है स्क्वायर है, तो काटेंगे तो ऊपर एक्स बचेगा और देन हम पुट करेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब देखिए अब अपोजिट कर दिए, नीचे की पावर ज़्यादा कर दी और ऊपर की कम कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि वन अपॉन इनफाइनाइट आएगा और वन अपॉन इनफाइनाइट हमारा जीरो होता है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये होती है कि दोनों की पावर सेम हो, देन जो रिजल्टेंट कोफिशिएंट होगा वो फाइनली मतलब फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ के जो आंसर होगा, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है एक्सटेंड टू इनफाइनाइट करते ही, एक्स स्क्वायर लेके हमें हमने कॉमन लेके इसको काट भी दिए, ठीक है नीचे से भी काट दिए, तो 2/3/x आएगा और यहाँ x की वैल्यू इनफाइनाइट भी पुट करेंगे रिमेनिंग पोर्शन में, तो ये 1/∞ जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएंगे कब, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके काट देंगे और x की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे तब, तो ये चीज़ें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती है, चीज़ें हो जाती है। अब पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, तो ये क्वेश्चंस है, देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे छोटे छोटे, तो ये क्वेश्चंस है और इसे हमने सॉल्व करना है, तो हमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, देखिए हमने क्या किया, एक्स टेंस टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है
अब हमने जो x टेंड्स टू जीरो दिया हुआ है इसकी वैल्यू रख के देखें, x की वैल्यू जीरो, तो देखिए cos जीरो, cos की जगह जीरो रख दिए, cos x की जगह cos जीरो, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमने जीरो पुट करी, तो जहाँ जहाँ x है यहाँ x है यहाँ x है, जीरो पुट कर दिए, ठीक है। तो हमने देखे साइन जीरो तो जीरो होता है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखे ऊपर देखते हैं, तो जो cos जीरो होता है वो वन होता है, ऑलरेडी वन माइनस में दिया हुआ है, तो यदि हम वन माइनस वन करेंगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। तो देन हम जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल में ये वाली जो इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए वन का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस ये प्लस आएगा। अब नीचे वाला क्योंकि दो फंक्शन है, अब दो फंक्शन जब भी रहते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को जैसे का वैसा लिखते हैं और सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा। देन सेकेंड टाइम में क्या करते हैं, सेकेंड वाले को एज इट इज़ लिखेंगे और फर्स्ट वाला एक्स जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वन आ जाएगा। तो हम इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देन हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो साइन जीरो फिर जीरो हो जाएगा। अब कॉस जीरो, एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, कॉस जीरो तो वन होता है लेकिन जीरो मल्टीप्लाई विद वन जीरो ही होगा। अब देन साइन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो साइन जीरो फिर जीरो होता है, तो हम देखेंगे यहाँ जीरो बाई जीरो फॉर्म फिर से आ जाएगी। देन हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब हम इसको तो डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। तो देखिए हमने साइन एक्स, क्योंकि ये प्लस साइन एक्स हो जाता है, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाले साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। अब क्योंकि ये डबल फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एक्स को एज इट इज़ लिखे, अब कॉस को हमने डिफ्रेंशिएट करे तो माइनस साइन एक्स हो गया। अब कॉस एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डॉट वन हो जाएगा, कॉस एक्स डॉट वन तो कॉस एक्स ही होगा। अब देन क्या करते हैं, हम यहाँ से जो कॉस एक्स और कॉस एक्स है ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो टू कॉस एक्स हो जाएंगे, यहाँ पे टू कॉस एक्स लिख सकते हैं हम। और देखिए एक्स की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वन हो जाएगा क्योंकि कॉस जीरो जो होता है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होता है, आपको पता होनी चाहिए, कॉस जीरो की वैल्यू वन होता है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो आप ये टेबल याद कर लीजिएगा जिनको याद नहीं है। तो देखिए यहाँ टू कॉस जीरो आएगा, अब कॉस जीरो तो वन हो जाता है, तो वन अपॉइंट टू फाइनल आंसर आ जाएगा। तो है सिंपल क्वेश्चंस, ये समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है आपको, लेकिन आप जल्दी से करेंगे तो हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन को करने के मैथ्स में कई तरीके होते हैं, तो मैं यहाँ पर दो तीन तरीके इस क्वेश्चन को करने के मैं बता देता हूँ फटाफट आपको आगे। तो देखिए यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये देखिए आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार, ये है, तो देन हम क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन देखिए, हम जो 1 माइनस कॉस एक्स है उसका 1 प्लस कॉस एक्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे एक्स साइन एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हमें यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएगी, एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ गया था, तो हम इसको इस चीज़ को करेंगे सॉल्व। तो देखिए साइन से साइन ये कट जाएगा और जो चीज़ें आएगी यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे साइन एक्स बचेगा और यहाँ का एक्स बचा, तो हमने साइन एक्स बाई एक्स यहाँ पे लिख लिए, जो यहाँ का एक साइन बचा था और ये वाला एक्स को, अब नीचे वन प्लस कॉस एक्स बचा है। तो देखिए ये जो लिमिट है हम ऊपर वाले के लिए भी ले सकते हैं, नीचे वाले के लिए, तो ऊपर वाले के लिए लेंगे हम तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है हमने पढ़े वो वन होता है, हमने अभी फॉर्मूले जो देखे थे उनमें साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, तो ये वाला पोर्शन वन हो जाएगा। देन हम एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो जो होता है वन होता है, और वन प्लस वन यहाँ नीचे टू आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो वन बाई टू आएगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सेकेंड जो तरीका होता है सब क्वेश्चन सॉल्व करने का वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो वन माइनस कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स है, तो देखिए वन माइनस कॉस एक्स हमें पता है कि उसको हम टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, यदि 1 प्लस कॉस एक्स होता तो हम उसको क्या लिखते, टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू लिखते यदि प्लस होता है यहीं पे, लेकिन ये माइनस है 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसको हम टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू लिखते हैं। देन साइन एक्स जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम, टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, क्योंकि जो साइन टू एक्स होता है आपको पता होगा साइन टू एक्स जो होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है, टू साइन एक्स मल्टीप्लाई विद कॉस एक्स होता है।
और हम x की जगह x बाई टू पुट करेंगे तो साइन x की वैल्यू जो हो जाएगी 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू। तो आप ये चीज़ें फार्मूले से देख लीजिएगा। अब देखिए साइन से साइन, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा और जो रिमेनिंग चीज़ें बचेगी वो साइन x बाई टू x कॉस x बाई टू। अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, टेन x बाई टू लिख सकते हैं, ठीक। और नीचे x है क्योंकि हमें जो हमारी जो फार्मूला होता है उसमें टेन एक्स बाई एक्स जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होगा, लेकिन यहाँ पे x बाई टू है तो यहाँ पे भी x बाई टू करेंगे हम, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो फॉर्म आ जाएगी वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे टेन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू को हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है। तो देखिए ये जो चीज़ें हमने इसको 1 लिख लिया, तो यहाँ पे 1 जो 1 बाई टू यहाँ से बचा तो हमने उसको ले लिया मल्टीप्लाई विद 1 जो ये वाले फार्मूले के थ्रू आया, तो ये 1 बाई टू हो जाएगा इस टाइप से। तो देखिए मैंने यहाँ फार्मूले लिखे हैं, तो साइन 2x होता है 2 साइन x cos x होता है, 1 माइनस cos x जो होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो cos x है और जो फार्मूला लिखा हूँ मैंने वो 1 माइनस cos 2x है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू x बाई टू पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो x की वैल्यू x बाई टू यहाँ पे भी आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर करना है, फिजिक्स में अच्छे स्कोर करना है, तो आपको मैथ्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको यदि ये चीज़ें बोर भी लगे तो आपको फुल लेक्चर देखना चाहिए ताकि आपको चीज़ों का नॉलेज मिलेगा, नए नए क्वेश्चन करने के तरीके पता चलेंगे और आपको और कहीं से क्वेश्चन मिले तो आप वहाँ से भी करिए। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप से कंडीशन दी है, टेन एक्स दिया हुआ है और साइन एक्स दिया हो, तो देखिए टेन को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस था, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू हो जा रहा है हमारा। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा और ये माइनस साइन एक्स पहले से, साइन क्यू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखिए अब ऊपर साइन स्क्वायर एक्स होगा और यहाँ से ऊपर से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो जो साइन एक्स कॉमन लेंगे और नीचे का जो साइन एक्स है एक कट जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे बचेगा हम उसको यहाँ पे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, कॉस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देन हम क्या करते हैं, 1 ये जो फार्मूला होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो देन हम a प्लस बी ए माइनस बी होता है तो वो वाली चीज़ें हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे और माइनस माइनस जो आएगा वो कट जाएगा और नीचे बचेगा ऊपर यहाँ पे cos x जो है 1 अपॉन में, तो ये cos x जो है नीचे आ जाएगा और ये 1 प्लस cos x ऑलरेडी नीचे है। तो देखिए हम x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि cos 0 जो होता है 1 होता है और यहाँ पे भी 1 होता है, तो यहाँ पे जो cos 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 ये हम जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये चीज़ें हो जाएगी। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब यहाँ पे रूट एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें कन्फ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम 1 को रख के देखेंगे क्योंकि लिमिट जो दी है वो हम उससे चेक करते हैं। तो हमने लिमिट चेक करके देखा, एक्स की जगह 1 रख दिया हमने, तो ये कॉस पाई बाई टू बन गया, यहाँ 1 माइनस रूट 1 बन गया। रूट 1 जो होता है 1 ही होता है और कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया। तो हम क्या करते हैं उस केस में, वापस से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये चीज़ों को, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे जब हम, तो जो साइन एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स है सॉरी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन पाई बाई एक्स बाई टू होता है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो अंदर का जो वेरिएबल्स होते हैं उनका फिर से डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, तो अंदर के वेरिएबल का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए प्रीवियस केस में क्या था, कॉस एक्स था, ठीक है, अब कॉस एक्स में कोई वेरिएबल नहीं है सिर्फ एक्स है, और यदि एक्स का हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए उस प्रीवियस केसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक कॉन्स्टेंट है तो इस केस में हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ जो पाई बाई टू वाला फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन 1 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कॉस का माइनस साइन हो जाता है और ये अंदर के वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। देन अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√2x होता है, ये तो आपको रटा होना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आप तो ये मान के चलिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इनवर्स वाले जो सारे फॉर्मूले हैं आप तो उनको कंठस्थ याद कर ही लीजिए। अब देखिए ये, अब यहाँ पे हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया उसको, ये भी हमने जो है वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, x टेंस टू 1 पुट करेंगे, हम चेक करेंगे कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा। तो हम देखें x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी, तो ये फॉर्म आ गया। अब देखिए साइन 90 हमें पता है वैल्यू 1 होती है, और जो यहाँ पे पाई बाई टू कॉन्स्टेंट, अब नीचे देखिए 1 रखेंगे तो नीचे माइनस ये जो है 1/2 बचेगा, क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आया, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो माइनस साइन एक्स तो आता ही है, तो माइनस ये वाला साइन, ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अब पाई बाई टू बचा और 1/2 बचा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ पाई बचेगा। यहाँ देखिए ये पाई जो है फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन से लिमिट वाले में है, ये वाला है। देखिए अब ये सारे क्वेश्चन शायद इनमें से कोई आ जाए, क्योंकि ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको एकदम लाइटली मत लीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को पढ़िए। ये चीज़ें भी यदि आ गई एग्ज़ाम में तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। मान लीजिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको एज इट इज़ आ जाए तो ये तो आपके लिए एक सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। तो आप चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। यदि कोई टीचर पढ़ाता है तो आपको तो सिर्फ लेक्चर देखना है, तो आप आराम से देख लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन का ज़माना है, आप यदि थोड़े से भी ढीले पड़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे, और देखिए आप जितनी मेहनत करेंगे आप लोगों को उतना वीट करते जाएंगे। और आप एक बार यदि अच्छे से मेहनत कर लिए आपने मन लगा के, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए log 1 x 1 + x / x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x टेंस टू 0 जो लिमिट दी हुई है, सबसे पहले तो वही रख के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 रखे हमने, यहाँ पे भी 0 रखे, नीचे तो 0 आ गया और ऊपर log 1, log 1 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, ये तो आप याद रखिएगा log 1 0 होता है, ठीक है। log की वैल्यूज आप याद रखिएगा, log कैसे सॉल्व किया जाता है, या मैं हो सकेगा अगला लेक्चर में छोटी बेसिक्स चीज़ें जो है जिनका बेस कमज़ोर है उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा बाद में, तो आप देख लीजिएगा। यदि आपको यदि ये चीज़ें भी टफ लग रही है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होती है, कई लोग होता है थोड़े से कमज़ोर होते हैं या फिर उनका बेस उतना मजबूत नहीं होता, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा, एक वीडियो पर्टिकुलर बेसिक्स पे बना दूंगा, तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती, 0/0 फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे हम, तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज़ों को। तो देखिए log 1 + x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log 1/1 + x आ जाएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो ये वाला जो पूरा जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो 1/x आ जाएगा, और dy/dx 1 + x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि जो अंदर जो चीज़ें होती इस टर्म में हमने पहले भी देखा था, जो भी अंदर वेरिएबल्स होते हैं पूरे उनका फिर से एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 0 + 1 ये 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/1 + x आ गया, तो 1/1 + x हमने यहाँ से नीचे लिख लिए। अब देन x = 0 पुट किए तो कोई दिक्कत नहीं, 1/1 + 0 आ गया और ये वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप देखिए इनको। अब अगला क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हमें दिया रहता है तो यदि लिमिट के साथ दिया हुआ है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसकी जो लिमिट है वो डायरेक्ट रख के पुट करके देख लेंगे। यदि लिमिट 0/0 ∞/∞ आ जाती तो हमारा क्वेश्चन तो आधा वैसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें बस डिफरेंशिएशन करना है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आप हम 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 - 1 बचेगा ये देखिए, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ गया। देन फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/√2x होता है, तो यदि जो भी अंदर रहेगा पूरा का पूरा रूट वैसे ही आ जाएगा। देन जो भी अंदर के वेरिएबल होते हैं उनका फिर से एक और बार डिफरेंशिएशन होता है, तो अब देखिए 1 - x² है तो यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, तो जब यहाँ फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा और नेगेटिव है इसलिए माइनस आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे भी देखते हैं इस केस में रूट एक्स का करेंगे, √1 + x² का तो हमें फार्मूला पता है तो 1/√2x होता है, तो सिमिलरली जो अंदर पूरी चीज़ें रहेगी सिमिलरली वैसे ही आ जाएगी 1/√2 1 + x². अब देन ये वाले जो अंदर वाले वेरिएबल्स हैं इनका फिर से डिफरेंशिएशन होगा एक बार,
ठीक है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वन का तो जीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा। तो देखिए अब जो यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया जाता है हॉस्पिटल रूल में, तो देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा। अब देखिए ये टू एक्स जो रहेगा यहाँ पे भी टू एक्स आया, यहाँ पे भी टू एक्स आया, कट जाएगा ठीक है, और यहाँ पे माइनस टू एक्स है तो इसलिए माइनस सामने आ जाएगा, ये माइनस आ गया इसमें इस केस में, और यहाँ पे भी ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया ये नेगेटिव साइन। अब देखिए अब मैं यहाँ पर जो चीज़ें है देन ये माइनस सामने आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर हम एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे भी जीरो को पुट करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस टू रूट वन माइनस जीरो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस टू बचेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है सिर्फ कैलकुलेशन, और आप देखिए आप जब कैलकुलेशन करें तो आप ये जो माइनस प्लस है इनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि ज़रा सी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस कर लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वन प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस थ्री एक्स है, एक्स टेंस टू जीरो, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, हमने पढ़ा था ये वाला फार्मूला ए एक्स अपॉन वन प्लस बी एक्स, ये होता है ई पावर ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा टू बाय थ्री हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपल। और देखिए व्यापम में इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, अब देखिए ये है एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है लिमिट इसकी वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू की पावर एक्स है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें ये जो चीज़ें एक्स जब भी पावर में आए तो हमें एक्सपोनेंशियल की टर्म में लाने की कोशिश करनी है, ताकि जिससे हम एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगा सकें, और एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला हम वन अपॉन एक्स और एक्स की कंडीशन में ही लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने x कॉमन लेके यदि काटे तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 माइनस वन अपॉन एक्स और 1 माइनस टू अपॉन एक्स, तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल का कुछ फार्मूला आपको देख रहा होगा। तो देखिए अब x की पावर यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे भी अलग अलग सेपरेट कर लेंगे इसको ऊपर और नीचे को, तो देखिए ये x है यहाँ पे गलती से लिखा गया है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट वन अपॉन वन माइनस एक्स की पावर एक्स, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, तो क्योंकि यहाँ माइनस है कि जब हमने फार्मूला पढ़े थे यहाँ प्लस आता है, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो ये डायरेक्ट ई की पावर माइनस वन हो जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस वन होता है यहाँ पे तो ई की पावर हम प्लस वन लेते, तो ये आप चीज़ याद रखिएगा। सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए ये माइनस टू है तो यहाँ पे ई की पावर माइनस टू आएगा, और देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ई की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, और हम इन दो पावर जो होती ऐड हो जाती है, टू माइनस वन यदि इसको करेंगे तो वन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं फार्मूला हमने प्रीवियस में जब स्टार्ट किए थे लेक्चर ये पढ़े थे। देखिए ये चीज़ें आप याद रखिए, एन रूट एक्स कभी भी होता है तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर वन अपॉन एन है, मतलब यहाँ तीन होगा तो यहाँ पर वन बाई थ्री होगा, यहाँ यदि टू होगा तो यहाँ पे वन बाई टू होगा, ये इसके कहने का मतलब। अब देखिए तीन चार क्वेश्चन और है, फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री, वन माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री एक्स। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन था ऐसे दिया हुआ था, एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है, मैं जब लिख रहा था क्वेश्चन बना रहा था तो ये मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन से शुरू कर दिया था। तो देखिए मैं क्वेश्चन भूल गया था लिखना तो मैंने साइड में ही नोट कर दिया था, तो ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए मैंने अभी जो बताया था आपको, ये थ्री है यहाँ पे लिख लिया मैंने, ये वाले थ्री को यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले कोई लिमिट दी है तो उसको पुट करके देखूंगा मैं, तो यहाँ पे वन माइनस जीरो वन माइनस जीरो यदि देखूंगा और यहाँ जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको क्या किया, ये थ्री को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मैंने आपको पहले अभी 10 सेकंड पहले ये बताया था कि रूट थ्री है दिया हुआ है तो इसको वन बाई थ्री लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो होता है हमें पता है एन एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन सामने आ जाता है, उसकी पावर जो होती है एक घट जाती है, एन एक्स माइनस वन हो जाता है। तो देखिए जो वन बाई थ्री सामने आ जाएगा, ठीक है, जो पावर होती है और उसको वन बाई थ्री माइनस वन हो जाएगा, उसकी पावर में एक घट जाता है, n माइनस वन होता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये प्लस बना जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 1/3 को अगेन करेंगे, यहाँ पर 1/3 सामने जाएगा, 1/3 माइनस 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स है तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये 0 माइनस बना जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ पे सामने आ जाए, ये वाला जो माइनस साइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये माइनस बना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 माइनस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यदि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 जो होगा 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब सिंपल हो जाता है, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये ओवरऑल फैक्टर यहाँ 1 + 0 तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे 1 - 0 ये भी 1 बचेगा। तो देखिए ये वाला 1/3 और ये वाला 1/3, क्योंकि ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो काफ़ी आसान है ये क्वेश्चंस, आपको कैलकुलेशन यदि आती है, आप थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप ये चीज़ें फटाफट कर लोगे। देखिए ये क्वेश्चंस है, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल का टर्म बन जा रहा है। देखिए उस केस में एन दिया था, यहाँ उस केस में एक्स दिया था, यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये देखिए आप, और 1 - 1/n^2n। तो देखिए 2 को हम ऊपर ले जा ले रहे हैं, तो ये फॉर्म बन गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ e^-1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जब भी किसी की पावर का अगेन स्क्वायर करते हैं तो पावर जो होती है सेकंड पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, अंदर वाली पावर से। तो 1 - 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और इसको 1/e^2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 3 फॉर्मूले होते हैं, कोई n नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, n, तो उनका जो सम होगा n(n+1/2) होता है। यदि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n(n+1)2n+1/6 होता है। यदि क्यूब है और क्यूब का हमें सम निकालना है, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना है, तो डायरेक्टली ये जो दिया रहता है फर्स्ट वाला, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, n(n+1)2 को स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो होता है क्यूब का निकल के जाएगा। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये चीज़ें आप याद रख लीजिए। जैसे आप हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चंस है, ठीक है, तो हम 1 + 2 n नेचुरल नंबर दिया है, तो हमने डायरेक्टली इसकी जगह ये पुट कर दिया n(n+1)2, ये n से ये n कट जाएगा, ठीक है। अब लिमिट जो दी है हमारी n टेंडिंग टू इन्फाइनिट दी है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से बचेगा n+1 उसको लिख लिए, और 2 नीचे चला जाएगा, और यहाँ का एक n बचेगा, क्योंकि एक पावर इसकी पावर 2 है तो एक पावर यहाँ बचेगी, तो ये बचा। अब हम क्या किए, इसको अलग अलग लिख लेंगे, 1/2 को बाहर ला लेंगे, ये 1/2 को हमने बाहर ले लिया, और जो 1 n+1/n है तो उसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, तो ये 1/1 + n आ जाएगा, और हम n की वैल्यू यहाँ इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो 1 + 0 1 ही होगा, और बाहर 1/2 मल्टीप्लाई में है तो 1/2 आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन वाली है, आप बस तरीका याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, यदि आपको कैलकुलेशन आता था आप आसानी से चीज़ें कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, हम यहाँ पे भी जो देखिए ये जो है ये क्यूब है, 1 की पावर क्यूब है, ठीक है। तो देखिए 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, तो n की पावर जो n नेचुरल नंबर की पावर क्यूब होती है, उसका सम निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़े थे, n(n+1)2 जो होता है उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इनका हो जाएगा, और इस होल स्क्वायर अगेन दिया हो तो इसकी पावर 4 हो जाएगी टोटल, देख सकते हैं हम यहाँ पे। और ये जो होता है स्क्वायर होता है, तो इसका होता है n(n+1)2n+1)6 होता है, ये भी हमने पढ़े। तो डायरेक्टली फार्मूला पुट करना, देखें इनकी जगह n नेचुरल की जगह ये फार्मूला पुट की, इसकी जगह ये की, क्योंकि यहाँ की पावर स्क्वायर थी, यहाँ की पावर क्यू थी, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये पावर आपको देख सकते हैं क्यू थी, ये स्क्वायर थी, तो हमने एज इट इज़ क्यू स्क्वायर ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो n है कॉमन निकाल के काटाबीटी करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे हम n की पावर क्यू आ जाएगा, ये n की पावर क्यू, अब n की पावर क्यू से हम n की पावर 4 काटेंगे तो n बचेगा, और n पहले से बाहर है तो ये n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से n+1 कटेगा, ठीक है, क्योंकि पावर इसकी 3 है तो ये 3 कटेगा, यहाँ पावर 4 है तो n+1 बचेगा, ये n+1 आ गया, और देखिए 2n+1q जो है एज इट इज़ बचा रहेगा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें हैं वो याद रखने वाली ये है, देखिए इनकी पावर 1 की पावर
टू जो है 1/2 है, ठीक है, तो ये इसकी पावर हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 की पावर क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 36 × 6, और जब हम इनको काटेंगे पीटेंगे तो ये 27/2 आ जाएगा, ठीक है, आप कल के देख लीजिएगा, इनको काटेंगे हम तो 27/2 बचेगा, और देन हम n टेंडिंग टू इन्फाइनिट दिया हुआ है क्योंकि n स्क्वायर ये n है, तो यहाँ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब हो जाएगा, तो हमने n क्यूब की पावर यहाँ कॉमन ले लिया और यहाँ से भी n क्यूब को कॉमन ले लिया और इनको काट दिए, तो जो फार्मूला हो जाएगा क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फाइनिट लिमिट दी हुई है तो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यहाँ बन जाएगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल का नहीं, हम डायरेक्टली n टेंडिंग टू इन्फाइनिट पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ऑलरेडी, तो ये 1 + 0, 2 + 0, तो 1 + 0 तो का तो 1 हो जाएगा, और 2 + जो करेंगे हम 2 + 0 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई इसकी पावर क्यूब है मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर आ जाएगा 27/16 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है, बाकी मेन जो चीज़ें इनमें कॉन्सेप्ट वो फार्मूले थे सॉल्व करने के लिए, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, और फाइनली n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पुट करके देख लेंगे, यदि हमारा आंसर आ जा रहा है फाइनाइट फॉर्म में तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, यदि एल हॉस्पिटल के फॉर्म में आता है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए 1:2, 2:3 और 3:4 ऐसे ऐसे करके n n प्लस बन दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ डायरेक्टली ऐसे, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/2, यदि मैं इनको सॉल्व करूँगा तो इनका एलसीएम 2 आएगा, 2 - 1, तो ये 1/2 बचेंगे, मतलब ये चीज़ सेम आ जाएगी, ठीक है, सेम ऐसे ही मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, आप देखेंगे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे वापस तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं यदि इनका एलसीएम लूँगा तो 6 आएगा, ठीक है, ये 2 × 3 ये भी 1/6 है, और 3 - 2 तो ये 1/6 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने इनको ऐसे लिख लिया सिंपल फॉर्म में, ठीक है, अब जब मैं इनको ब्रैकेट ओपन करूँगा तो जो होगी फर्स्ट वाली संख्या को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड कट जाएगी, फोर्थ और फिफ्थ कट जाएगी, ठीक है, और सिक्स्थ और सेवन्थ कट जाएगी, ऐसे ऐसे करके सारी संख्या कटते कटते 1/n भी कट जाएगी, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाली जो संख्या है वो नहीं कटेगी, तो हम उनको ऐसे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पुट करेंगे क्योंकि 1/∞ जो होता है वो जीरो होता है, देखिए 1/0 जो होता है वो इन्फाइनाइट होता है, ये बात आप याद रखिएगा, देखिए 1/0 जो होता है वो इन्फाइनाइट होता है, और 1/∞ जो होता है वो जीरो होता है, तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा, ये 1/0 इन्फाइनाइट और 1/∞ जो होता है वो जीरो होता है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और ये 1 - 0 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा थर्ड लेक्चर था मैथ का, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग लेक्चर देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो यदि आपको मेरा जो वीडियो है मेरे वो बनाई हुई मेहनत यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी और फिर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आईएएस फोरम में आपका स्वागत है, मैं हूं तिलक। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।